नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अग्निवीर। और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, उससे संबंधित जर्नल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहला आज का हमारा प्रश्न, कौन सा अधातु जल को शुद्ध कर सकता है? क्या फ्लोरीन करता है, क्या क्लोरीन करता है, क्या ग्रेफाइट करता है, क्या आयोडीन करता है? क्या सबसे पहले अपन देख लेते हैं भैया ये फ्लोरीन क्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो फ्लोरीन है इसका जो प्रतीक है, इसका क्या है, जो इसका जो प्रतीक है दोस्तों वो एफ है, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मृदा के अंदर, मृदा व पानी के अंदर, मृदा व जल में, मृदा व जल में यह F- यानी कि फ्लोराइड के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? फ्लोराइड के रूप में मिलता है। अगर फ्लोराइड युक्त पानी लोग पी रहे हैं, पीने पर रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है दोस्तों, मुड़ जाती है। और तो और आप देखेंगे दोस्तों, जो दांत है, दांत गलने लग जाते हैं। इस बीमारी को दोस्तों कूबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कूबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस बीमारी के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं। और ये मुख्यतः होती है दोस्तों नागौर आदि जो क्षेत्र है वहां पर ये होती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, जो क्लोरीन का आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रतीक है, क्लोरीन का जो प्रतीक है वो Cl होता है दोस्तों। और क्लोरीन का जो उपयोग है ना, उपयोग जीवाणुनाशन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? जीवाणुनाशक है। तो इसकी गोलियों को अगर पानी में डाल दिया जाए, क्लोरीन की क्या डाल दी जाए? गोली डाल दी जाए, या इसकी क्लोरीन की गैस को पानी में डाल दिया जाए, तो पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, उसके जीवाणु वगैरह मर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यह भी क्या है? एक अधातु है भैया। क्या है? यह भी एक धातु है। तो क्लोरीन का उपयोग दोस्तों पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ग्रेफाइड दोस्तों कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है दोस्तों। क्या है ये? इसका अपर रूप है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रेफाइड में तीन कार्बन से घिरा रहता है दोस्तों। ये विद्युत का कुचालक होता है भैया। और आपको पता है दोस्तों, इसका जो उपयोग क्या होता है? स्नेहक के रूप में, घर्षण कम करने में। बड़ी बड़ी मशीनें घिसने से खराब ना हो जाए, बड़ी बड़ी मशीनों को घिसने से बचाने के लिए, उनमें घर्षण या फ्रिक्शन को कम करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग होता है स्नेहक के रूप में। और स्नेहक भी कैसा? शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग में लेते हैं, शुष्क स्नेहक के रूप में इसको काम में लेते हैं। इसी प्रकार से भैया इलेक्ट्रोड बनाने में काम में आता है, ठीक है। पेंसिल की जो नोक होती है ना, लिखने वाली, वो किससे बनाई जाती है? ग्रेफाइट से बनाई जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आया था आयोडीन। क्या है भैया? आयोडीन का जो प्रतीक है वो आई है भैया। और आप देख सकते हैं कि आयोडीन की अगर कमी है दोस्तों हमारे भोजन में या हमारे नमक में, तो गला सूज जाता है।
गला फूल जाता है जिसको घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको घेंगा रोग कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको आनी चाहिए भैया। अगला प्रश्न क्या है यहां पर? अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, आ चुका है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को प्रभावित करता है क्या? मस्तिष्क को प्रभावित करता है क्या? लीवर को प्रभावित करता है क्या? या किसी को भी प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? जो पीलिया बीमारी है, जो पीलिया जो रोग है ना दोस्तों, पीलिया जो रोग है, इस रोग के अंदर क्या होता है? जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट होने लग जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं बड़ी मात्रा में क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है। और नष्ट होकर ये दो हानिकारक पदार्थ बनाती है, दो हानिकारक पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है? पदार्थ बनाती है, जिनके क्या नाम है? बिली रूबीन व बिली वर्डीन। क्या बनाती है? बिली रूबीन व बिली वर्डीन बनाती है। और दोस्तों ये बिली रूबीन और बिली वर्डीन के कारण जो लीवर है ना, वो खराब हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है? खराब होने लग जाता है। लीवर में कैंसर भी हो सकता है भैया। क्या हो सकता है? लीवर का कैंसर भी हो सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? पीलिया लीवर को प्रभावित करता है भैया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन? लीवर को क्या बोलेंगे दोस्तों? यकृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यकृत कहेंगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा नहीं है भैया। रेशे दो प्रकार के हैं। रेशे कितने प्रकार के हैं? रेशे दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो है प्राकृतिक। प्राकृतिक प्राकृतिक वह होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है भैया। जैसे कि कपास देख लो, कपास देख लो, पटसन देख लो, पटसन देख लो, सन देख लो, सन की रस्सी होती है ना, जूट हो गया भैया, जूट हो गया, कपास, पटसन, सन, जूट, ये सारे के सारे दोस्तों इसी, देखो यहां पर क्या, कपास होगी प्राकृतिक रेशा है भैया, ठीक है। तो कपास कोई रुई बोलते हैं ना, ऊन हो गया, ये ऊन भी दोस्तों क्या है? ऊन भी प्राकृतिक रेशा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं संश्लेषित रेशे भी होते हैं। संश्लेषित रेशे वह होते हैं जो प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया करवाकर दो चार केमिकल ले लिए, मिला दिया उनको, उनकी क्रिया हो गई, उनकी क्रिया होने से क्या बन गया भैया? एक रेशा बन गया, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? संश्लेषित रेशा बोल रहे हैं। और इसके उदाहरण क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे नायलॉन सिक्स हो गया भैया, नायलॉन सिक्स। इसका उपयोग रस्तियां बनाने में होता है भैया, रस्तियां, ठीक है, पाइप आदि बनाने में, रस्तियां पाइप आदि बनाने में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो नायलॉन 66 एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, बल्कि संश्लेषित रेशा है, प्रयोगशाला में इसका इसको बनाया गया है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर, रोटजन, क्यूरी या नोवल? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं परम आजकल आ रहे हैं नाभिकीय बम आ रहे हैं। कौन से बम आ रहे हैं? नाभिकीय बम, ठीक है दोस्तों। नाभिकीय बम में दो प्रकार के बम होते हैं, एक तो होता है परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। माना कि आप देख सकते हैं परमाणु बम अगर एक शहर तबाह कर सकता है ना, माना कि सिर्फ मानना है शहर तबाह कर सकता है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बम लगभग 10 से 20 शहर तबाह कर सकता है। क्या कर सकता है? शहर तबाह कर सकता है, मतलब बहुत गुना खतरनाक है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम में क्या होता है दोस्तों? परमाणु विखंडन होता है, भारी परमाणु टूटता है, भारी परमाणु जैसे जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम
ठीक है दोस्तों, जब ये टूटता है, ठीक है दोस्तों, तो टूटने से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा के कारण ही क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। भैया मैंने आपको क्या बताया, ये बताया मेरे प्यारे भाइयों कि जैसे ही भारी परमाणु टूटते हैं, इसमें जो मसाला काम में आ रहा ना, जैसे लाल पटाखा होता है ना, उसमें बारूद भरा रहता है, टक टक करते रहते हैं, फोड़ाते रहते हैं, भैया इसके अंदर, इस परमाणु बम के अंदर भारी परमाणु भरे रहते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन करवाई जाती है, कुछ ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है इस बम के अंदर, हाई टेम्परेचर पर यह भारी परमाणु टूट जाते हैं। और ये परमाणु किसके होते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम के होते हैं। टूटने पर क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा के कारण विनाश होता है, इसलिए इसको परमाणु बम कहते हैं। और ये परमाणु विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, परमाणु विखंडन सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, विखंडन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जबकि दोस्तों आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन बम के अंदर हाइड्रोजन के दो हल्के परमाणु मिलकर, ये हल्का परमाणु मिलकर ये भी हाइड्रोजन का क्या है, हल्का परमाणु मिलता है, परमाणु मिलकर अधिक ऊर्जा पर, किस पर दोस्तों, अधिक ताप पर। जब बहुत ज्यादा तापमान होता है तो हाइड्रोजन के हल्के परमाणु जुड़कर हीलियम का भारी परमाणु बना देते हैं, क्या बना देते हैं, भारी परमाणु बना देते हैं। और जब भारी परमाणु बनाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा से विनाश होता है। भैया यह कौन सा सिद्धांत है, यह है नाभिकीय संलयन का सिद्धांत। हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है, परमाणु संलयन, परमाणु या नाभिकीय संलयन पर, किस पर, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा जा सकता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य पर दोस्तों यही क्रिया होती है, सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन में वहां पर हाइड्रोजन गैस होती है, जो हाइड्रोजन के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर आपस में जुड़ते रहते हैं, और दोस्तों हीलियम के भारी परमाणु बनते रहते हैं, जिससे ऊर्जा बनती है, और उसी से सूरज हमेशा प्रकाश देता रहता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, क्या किया गया था, टेलर के द्वारा किया गया था। जो हमारे टेलर भाई होते हैं वो बेचारे दुनिया के कपड़ों को जोड़ते हैं, और ये जो ऐसे टेलर थे जिन्होंने ऐसा बम बनाया जो दुनिया को तोड़ ही देता है, तो याद कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए आप, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, क्या आलू है क्या, ठीक है, क्या मक्का है क्या, क्या गेहूं है क्या, क्या चावल है क्या। दोस्तों मैं मानता हूं गेहूं बहुत लोग खाते हैं, अभी आप देखेंगे गेहूं की रोटियां खाते हो आप खूब दबा के मजे से, सब खाते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे गेहूं तो अपने राजस्थान में ज्यादा चल रहा है, हरियाणा में ज्यादा चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे साउथ के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, चाइना में तो सब चिंचोंग कर करके चावल पे टूट पड़ते हैं भैया, ठीक है, तो चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है दुनिया के अंदर, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है भाई। चावल कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, बहुत अच्छा स्रोत है। यहां पर आप देखिए एसिड रखा जाता है, कांच के कंटेनर में रखा जाता है क्या, प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है क्या, चंद्रमा के प्रकाश तेल में से कोई नहीं, तो दोस्तों कांच के कंटेनर में रखा जाता है। कांच अक्रियाशील है, कांच अम्ल के साथ अक्रियाशील है, ठीक है दोस्तों। कांच क्या है, अम्ल के साथ अक्रियाशील है, इसलिए अम्ल को लंबे समय तक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखा जा सकता है। दोस्तों निम्न में से संचरणीय रोग कौन सा है, भैया रोग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग, ठीक है दोस्तों। इसका संचरण हो सकता है, कैसे हो सकता है, रोगी से स्वस्थ मनुष्य में भी यह हो सकता है,
तो इसलिए इसको संक्रामक रोग कह रहे हैं, जबकि असंक्रामक का रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में संचरण नहीं होता है। बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, आप उदाहरण देखिए, भैया आपने कोई अंकल है, माना कि आपके कोई अंकल है, मेरे अंकल है, उनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। अगर हम उनसे मिलने गए और अंकल जी कैसे हो, क्या बात है, हमने सुना है आपके जोड़ों में दर्द हो गया, हाथ भी मिलाया हमने अंकल के, या चरण स्पर्श किए, चाय पी अंकल के साथ बैठ के, क्या थोड़ी देर बाद क्या हमारे भी जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि जोड़ों का दर्द कभी भी रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होता ही नहीं है, असंक्रामक रोग है, असंचरणीय रोग है। जोड़ों में दर्द हो गया, कैंसर हो गया भैया, ठीक है, हेडेक हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप किसी को कोरोना हो गया और आप उससे मिलने गए, आपको भी कोरोना हो सकता है, ठीक है। टीबी हो गया भैया, टीबी साल्मोनेला टाइपी जीवाणु के द्वारा होता है, टीबी को अपन क्षय रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे रोग है दोस्तों, हेजा हो गया, हेजा, सारे के सारे संक्रमणीय रोग है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्षय रोग, क्षय रोग संचरणीय रोग है दोस्तों। और ये कैंसर और स्कर्वी क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए, कैंसर क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, परीक्षा में तो कुछ भी आ सकता है ना दोस्तों। कैंसर क्या होता है, स्कर्वी क्या होता है, कैंसर किसी कारण से कोई सा भी कारण हो सकता है, जैसे तंबाकू हो गया, धुआं हो गया, प्रदूषण हो गया, ठीक है दोस्तों, विकिरण हो गए, जैसे सूर्य के विकिरण है, इनके कारण क्या होता है दोस्तों, कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करने लग जाती है, और अनियंत्रित विभाजन से गांठ बन जाती है दोस्तों, वो गांठ सड़ने लग जाती है, फैलने लग जाती है, और इसी को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कैंसर बोल रहे हैं। कैंसर में मृत्यु हो जाती है अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए। स्कर्वी रोग क्या होता है, जो विटामिन सी है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है भैया, संतरे के अंदर मिलता है, संतरा। स्रोत क्या है विटामिन सी का, संतरा, आंवला, नींबू, सबसे ज्यादा तो भैया किसमें होता है, आंवले में होता है। कमी से क्या हो जाता है, अगर इस विटामिन की शरीर में कमी हो गई तो मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, मसूड़ों से खून आ जाएगा, और मसूड़ों में खून छाले को ही अपन क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, तारे किसके कारण चमकते हैं दोस्तों, तारा वह होता है, देखो दोस्तों, तारा स्वयं के प्रकाश से चमकता है, स्वयं के प्रकाश से चमकता है, ठीक है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं ग्रह व उपग्रह, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, प्रकाश से चमकते। आप देख सकते हैं दोस्तों कि तारा क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सूर्य भी एक तारा है, हाइड्रोजन गैस के हल्के परमाणु इन तारों के अंदर संलयित होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और हीलियम के भारी परमाणु बनाते रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और तारे हमेशा
गर्मी देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं और विस्फोट होता रहता है तारों के अंदर। तारे हमेशा खुद के प्रकाश से चमकते हैं दोस्तों, जबकि जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो तारों का चक्कर लगाते रहते हैं। और जब इन तारों का प्रकाश इन ग्रहों या उपग्रह के ऊपर गिरता है तो ये ग्रह और उपग्रह हमें चमकीले दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो तारे स्वयं की रोशनी से चमकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रकाश है ना दोस्तों, प्रकाश को ऐसा माना गया है कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, ठीक है दोस्तों। द्वैत व्यवहार माना गया है इसका। क्या माना गया है? द्वैत व्यवहार माना गया है। कोई तो मानता प्रकाश कण है, ऊर्जा के छोटे छोटे कण मिलकर प्रकाश बना रहे, समझ में आई बात आपको? कोई मान रहा है कि ये तरंग के रूप में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। कैसी तरंग मानी गई है प्रकाश को? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह माना गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और कुछ लोग इसको क्या माने, अभी कण के बारे में बताया ना मैंने, ऊर्जा के कण क्या माना गया, ऐसे ऊर्जा के कण माना गया, तो ऊर्जा के कण है भैया ये। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अगला क्या है, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है क्या? क्या टाइफाइड रोग हो जाता है क्या? क्या ज्वार? ज्वार नहीं है दोस्तों, ज्वार तो खाने की चीज है, ठीक है, कोई ज्वार की राबड़ी थोड़ी बनानी है यहाँ पे अपन। ज्वर, ज्वर मतलब होता है बुखार, फीवर, ठीक है दोस्तों, यह इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आरबीसी, आरबीसी में गुलाबी पदार्थ होता है जिसे गुलाबी वर्णक हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का को बांधकर, ऑक्सीजन को रक्त से बांधकर परिवहन करना। क्या करना? उसका परिवहन करना। आरबीसी क्या है? गुलाबी रंग का वर्णक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को रक्त के साथ में बांध देना, ग्लू का काम कर रहा है ये। ऑक्सीजन को रक्त में चिपकाने का कार्य कौन कर रहा है? बांधने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है दोस्तों आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से। किससे बना हुआ होता है? ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ होता है दोस्तों। जो आप पालक खाते हैं, पालक सब्जियां, सब्जियां जो आप खाते हैं, उसी से आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और भैया अगर आयरन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी दोस्तों। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो रक्त की कमी हो जाएगी, और इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। जबकि दोस्तों जो टाइफाइड रोग है ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है दोस्तों? टाइफाइड जो रोग है, टाइफाइड, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और ये होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा, टाइफी जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या प्रभावित होता है? इसमें प्रभाव क्या पड़ता है भैया? आंत में, आंत में संक्रमण होता है, आंत में संक्रमण होता है, आंतों में दर्द होने लग जाता है, बार बार लूज मोशन होते हैं, पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ज्वर कैसे होता है भैया? ज्वर, ज्वर आप देख सकते हैं, ज्वर या सर्दी जुखाम, सर्दी जुखाम, जुखाम हो जाता है, जुखाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, क्या हो जाता है? फ्लू हो जाता है। राइनो वायरस द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा यह होता है, ठीक है दोस्तों। ज्वर, सर्दी जुखाम, बुखार, फ्लू आदि। आप देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, जनरेटर से क्या उत्पन्न होती है? दोस्तों शादी में हम जाते थे पहले के समय में, तो आप देखेंगे जनरेटर में जैसे ही खाना लिया, मजे से खाने ही लगे, ठीक है, बढ़िया दही बड़े वगैरह सजा के, एकदम से ढक अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में क्या तो खाएं, कहां से लें, ठीक है दोस्तों। फिर अचानक से आवाज आती थी,
डगड़ और जैसे ही डगड़ की आवाज सुनता था, हाँ, कलेजे को ठंडक कि अब जनरेटर चालू हो चुका है। जनरेटर में डीजल डलता है, डीजल जनरेटर को चालू कर देता है, ऑन कर देता है, और जनरेटर से बिजली बनती है, विद्युत बनती है, और उस विद्युत से लाइटें वापस आ जाती है। ठीक है, तो बल्ब वगैरह ऑन हो जाते हैं सब। सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है दोस्तों। और आपकी पृथ्वी के चारों तरफ आप देख सकते हैं ओजोन गैस की क्या पाई जा रही है, लेयर पाई जा रही है। ये क्या है दोस्तों, ओजोन गैस की क्या है दोस्तों, लेयर पाई जा रही है। ये क्या पाई जा रही है, ओजोन गैस की क्या पाई, एक सेकेंड थोड़ा सा पतला बना देते हैं इसको, एक सेकेंड। ओजोन गैस पाई जाती है, ओ3 गैस पाई जाती है। ये ओजोन गैस की परत क्या करती है, आप देख सकते हैं, जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश के अंदर पराबैंगनी किरणें भी है। ठीक है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें भी है। ठीक है दोस्तों, और इस सूर्य के प्रकाश के अंदर नॉर्मल किरणें भी है, नॉर्मल प्रकाश भी है। तो ये नॉर्मल प्रकाश को तो पृथ्वी की तरफ और आने देती है, लेकिन पराबैंगनी प्रकाश को, जो नीला नीला प्रकाश है, इसको ये ओजोन परत पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ये प्रकाश हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, स्किन को जला सकता है, ठीक है, पेड़ पौधों को झुलसा सकता है। इन सारे हानिकारक विकिरणों को ये गैस हमारी पृथ्वी तक नहीं आने देती है, ये एक रक्षा कवच है हमारी पृथ्वी का। तो ओजोन लेयर पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है दोस्तों, रक्षा करती है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, 110/120, 100/30, 151/160 या 120/80? दोस्तों क्या होता है एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, यहां पर आप देखिए, आप देखेंगे दोस्तों, जो हृदय होता है, हृदय होता है, ये हृदय क्या करता है, पंप का कार्य करता है, पंप का कार्य करता है, ये रक्त को शरीर में पंप करता है। जैसे भैया आप देख सकते हैं आजकल घरों में, ठीक है, हर कमरे के अंदर सेपरेट लेट बाथ टंकियां भी बहुत सारी हो जाती है। एक टैंक होता है नीचे मेन, उस मेन टैंक में से पानी सभी टंकियों में कौन पहुंचाती है, मोटर पहुंचाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा शरीर है, इसमें हाथ भी है, इसमें त्वचा भी है, इसमें पैर भी है, इसमें कान भी है, सब जगह रक्त को पहुंचाना है। सब जगह रक्त को कौन पहुंचा रहा है, ये मोटर का काम कर रहा है हमारा हार्ट, ये मोटर या पंप का कार्य कर रहा है हमारा हार्ट, और यही पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों, जब ये रक्त को दबाता है, ये हार्ट जब रक्त को दबाता है, जैसे टमाटर सॉस की थैली को दबाते हैं तो टमाटर सॉस बाहर आता है, नहीं आता, जब आप टमाटर सॉस के पाउच को दबाएंगे तो टमाटर सॉस पाउच से दूर जाएगा निकल के, वैसे जब हृदय दबेगा, हार्ट जब दबेगा, तो रक्त भी हृदय से दूर हमारे शरीर के अंगों की ओर जाएगा, और उस समय जो रुधिर वाहिनियां हैं जिससे होकर रक्त शरीर के अंगों में जा रहा है, उसमें दाब बढ़ जाएगा, और अधिकतम कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब रक्त को वापस शरीर से हृदय की तरफ खींचा जाएगा तो हृदय फैल जाता है। जब हृदय फैलता है तो रक्त शरीर से वापस कहां खींचता है, हृदय की ओर खींचता है, और उस समय न्यूनतम दाब कितना होता है, 80 होता है दोस्तों। तो 120/80 होता है दोस्तों सामान्य रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। अगर कम हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि अगर 100/70 हो जाए तो मैं बोल सकता हूं लो ब्लड प्रेशर हो गया, निम्न रक्तचाप हो गया, क्या हो गया, निम्न रक्तचाप हो गया दोस्तों। माना की है ये, माना की, ठीक है दोस्तों। अगर क्या हो जाए, 120 से ज्यादा हो जाए, भैया मैं बोलूं 130/ और नीचे भी ज्यादा हो जाए, 100 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उच्च रक्तचाप हो जाएगा दोस्तों, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जब हृदय रुधिर को पंप करता है तो उस समय जो रुधिर वाहिनियों के अंदर हृदय द्वारा जो दाब लगता है वो अधिकतम 120 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कितना होता है, 120/80 होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है।
ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? अभी आपको बताया O3, तीन परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तीन परमाणु है दोस्तों, जबकि O2 के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये ओजोन गैस है। क्या है? ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है। कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन में दो परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है दोस्तों, तो तीन होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, हेक्सेन का सूत्र क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हेक्सेन का सूत्र क्या होगा? C6H12, C6H14, C4H12, C3H8। मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है दोस्तों, पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसको करवाने में बहुत सारी क्लासेस लगती है, कम से कम 6 से 7 क्लासेस लगती है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे कि कार्बन व हाइड्रोजन मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं, ऐसे पदार्थ जो किससे बने हुए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से, उनको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं नाम क्या है, हेक्सेन। क्या है दोस्तों? हेक्सेन। हेक्स मतलब क्या होता है? 6, ठीक है, और एन मतलब होता है दोस्तों, हेक्स मतलब तो क्या होता है 6, और दोस्तों एन मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में थोड़ा और शॉर्ट में कर देता हूं इसको, एक सेकेंड। हेक्स मतलब, हेक्स मतलब होता है 6, हेक्सा मतलब 6, और दोस्तों एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है एकल बंध, एकल बंध। भैया हो गया कंफ्यूजन सारा का सारा दूर। अब 6 कार्बन है, क्या है ये 6 कार्बन? अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एकल बंध का मतलब है कि सभी कार्बन के बीच में जब एकल बंध होता है तो एन लगता है नाम के अंत में। तो दोस्तों अब यहां पे हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? चारों तरफ से हाइड्रोजन से घेर दो इसे, एच 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 एच, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। तो भैया क्या हो गया? C6H14 हेक्सेन का क्या है? सूत्र है दोस्तों, ठीक है। 6 कार्बन मतलब हेक्स, और N का मतलब क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो पीछे N लगाते हैं, तो हेक्स प्लस N हेक्सेन। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा दोस्ता, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।